केरल की प्रतिभाशील धाविका पीयू चित्रा का मामला इस बात का एक और सबूत है कि हमारे देश में लोग प्रतिभाओं के हनन के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। एक तरह से इंतजार करते रहते हैं कि कोई कहीं से उभरता दिखे और कभी उसके सिर पर हथौड़ा मारे। देश की बदनामी हो, दुनिया में छवि खराब हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में पिछड़े, इन सब की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। यही हो रहा है एथलेटिक पीयू चित्रा के साथ। इस देश में प्रतिभाएं केवल चंद जातियों में ही पैदा होने का हक रखती हैं। अगर इन जातियों से इतर किसी जाति का कोई छात्र छात्रा वैज्ञानिक या खिलाड़ी आगे बढ़ता दिखे तो सारी ताकतें उसे रोकने में लग जाती हैं। पीयू चित्रा केरल के बहुत सामान्य परिवार से आती हैं, लेकिन जाने कैसे प्रतिभाहंताओं के निगाह से बच गईं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता के झंडे गाड़ने में सफल हो गईं। केरल के खेतिहर मजदूर की बेटी चित्रा ने इसी महीने भुवनेश्वर में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1500 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया था, जो कि भारतीय एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारियों को अखर गया। चित्रा ने 4:17 का समय निकाला था। एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता होने के कारण वह अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री की हकदार हो गई हैं। लेकिन भारतीय एथलेटिक्स संघ ने नियमों का पेच फंसाकर चित्रा को भारत की 24 सदस्यों की भारी भरकम टीम में भी शामिल करने से इनकार कर दिया। एथलेटिक्स महासंघ की चयन समिति की बैठक में पीटी उषा और अंजू बॉबी जॉर्ज भी मौजूद थी, लेकिन वो भी इसी नियम का हवाला देते हुए चित्रा को चयनित न किए जाने को उचित ठहरा रही। लंदन में होने जा रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग टाइम 4:07 का बताया जा रहा है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा जा रहा कि चित्रा वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए पहले से ही क्वालिफाइड है। केरल सरकार ने भारतीय एथलेटिक्स संघ से अनुरोध भी किया कि वाइल्ड कार्ड एंट्री प्राप्त चित्रा को लंदन जाने से न रोका जाए, लेकिन संघ अपनी बात पर अड़ा रहा। राज्य के खेल मंत्री एसी मोदन ने दोनों पर्यवेक्षकों की भूमिका पर भी नाराजगी जताई, लेकिन उन पर कुछ असर नहीं पड़ा। खुद मुख्यमंत्री पी विजयन इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन संघ के अधिकारी तय किए रहे कि चित्रा को विश्व चैंपियनशिप में किसी भी हालत में नहीं जाने देना है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था। ताजा स्थिति यह है कि केरल हाईकोर्ट के निर्देश और केंद्र सरकार की सलाह के बावजूद भारतीय एथलेटिक्स संघ ने अभी तक चित्रा को लंदन में 4-13 अगस्त के बीच होने वाली विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में शामिल होने को मंजूरी नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टेढ़ी उंगली।